कंफर्टेबल रखते हैं, सो इट्स अ लेकिन कॉम्प्रोमाइज. कोशिश ये करेंगे कि आप इस इंटरव्यू के बाद थके ना और हम दोनों ही ना थके. हालांकि आई थिंक देयर इज अ लॉट टू कैच अप ऑन, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट. एक मैं बड़ा सीरियस आपसे सवाल पूछता हूँ, हु इज शहरयार मुनव्वर? ये बड़ा एकदम मैंने सीरियस फिलोसॉफिकल सा सवाल पूछ लिया. खतरनाक. मैं इस जब आप सवाल का मुझे जवाब दे देंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा. आपने मुझे अचानक टेंशन में यूनिवर्सिटी डेज भेज दिया ना, क्योंकि वो हमें प्रिपेयर करने के लिए कहते थे कि इंटरव्यू में हमेशा पूछते थे डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 5 वर्ड्स. यू कैन टेक एज मेनी वर्ड्स एज यू लाइक. आई थिंक शहरयार मुनव्वर इज अ सन, अ ब्रदर, अ फ्रेंड, अ स्टूडेंट, एंड पाकिस्तानी मुस्लिम. दैट्स व्हाट ही इज. The reason I brought up this question is because, you know, I know you come from a family of wealth, extreme wealth, mashallah. Alhamdulillah. You had the resources at your disposal to choose or opt for any profession that you wanted. Aap business kar sakte the kisi bhi cheez ka, aap kisi bhi tarah ki job kar sakte the, kyunki aapne padhai ki agar baat ho aur ya dusri tarah ki jo bhi resources ek insaan mein, इंसान को एक यंग उम्र में चाहिए होती है अपना एम्बिशन परसू करने के लिए, वो आपके पास थी. आपने चूज किया एक्टिंग को, एंड आई वुडंट इवन से एक्टिंग, यू चोज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. व्हाई? अच्छा मैं आपको बताऊं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज ट्रू. आई कैन नॉट, मैं इसके बारे इसको निगेट नहीं कर सकता इस बात को दैट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आई कम फ्रॉम वेल्थ. बहुत कंफर्टेबल मेरा चाइल्डहुड रहा हमेशा. बहुत जुल्म हुए ना मेरे साथ. वो जो एक एक्टर की हम देखते हैं ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी स्ट्रगल की जिंदगी थी, रोडों पे सोए और फिर हमने कहा कि यू नो वन डे आई विल ओन दिस सिटी एंड आई विल बिकम बिग, एंड उस तरह का बैकग्राउंड नहीं, मुंबई का डॉन कॉन वो वाला सीन आपका नहीं था, बट येट यू चोज दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाई. अच्छा बट हसन मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंगली इनफ जब मैंने आईबी से ग्रेजुएट किया तो मेरी बचपन से एक बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना इंडिपेंडेंस और खुद मुख्तारी का शौक था. तो इवन थ्रू आईबीए मोस्ट ऑफ मैंने काफ़ी सेमेस्टर्स की फ़ीस खुद भरी थी, और वो ऐसे भरी थी कि मैं एक वीजे की नौकरी करता था. आई वॉज वीजिंग, लिटिल नोन फैक्ट, ये शायद आपने रिसर्च, ये वाला मुझे नहीं पता था. ये आपको नहीं पता होगा. कहाँ पे? एक चैनल था ओए के नाम से. अच्छा. उस पर मैंने कुछ टाइम किया था. उसके अलावा मैं एड्स करता था, मॉडलिंग करता था, उससे जो पैसे आते थे. सो मैंने काफ़ी सेमेस्टर्स की फ़ी खुद भरी थी और मुझे शौक था ये करने का कि मैं खुद को सपोर्ट करूँ. फिर जब मैंने ग्रेजुएटेड तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रेजुएट विद अ डिसेंट जीपीए, अच्छी यूनिवर्सिटी में गया था. जब ग्रेजुएट भी किया तो उसके बाद नौकरी लगी मेरी एक जर्मन वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी के साथ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे बैच में सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा था जो मुझे मिली थी. एंड एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब आप एक आईबीए टाइप के स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो ज़िंदगी का ख्वाब होता है वो ये होता है कि आपकी एमएनसी में जॉब लग जाए. तो वो मैंने एक टिक ऑफ कर दिया जो मुझे 4 साल प्रेशर में जिंदा रखा था कि नौकरी नहीं मिलेगी. वो हो गया, वो टिक ऑफ हो गया. 6 महीने मैंने काम किया, प्रमोशन भी ऑफर हुई मुझे. बट फिर ये था कि ड्यूरिंग आईबीए डेज जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कुछ काम किए हुए थे, जैसे वीजे किया हुआ था, एक शो में मैंने सपोर्ट कैरेक्टर प्ले किया था, ज़िंदगी गुलजार है. सो वो उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से, डायरेक्टर्स से, डिफरेंट लोगों से. तो मैंने फिर मैंने अपने बॉस से बात की. मैंने कहा कि आई वांट टू लीव, तो ही वाज अ नाइस गाय, उन्होंने मेंटोर भी बड़ा किया था मुझे. खैर एनीवे तो उन्होंने कहा व्हाई डू वांट टू लीव. मैंने उनको कहा कि यू नो द थिंग इज़ के मैं इसके बाद क्या करूँगा. उन्होंने कहा देखो तुम्हें अच्छी नौकरी कर रहे हो, तुम्हें वो प्रमोशन दे रहे हैं, साल यहाँ रुकोगे तुम्हें बाहर शिफ्ट कर देंगे. मैंने कहा फिर क्या होगा. उसने कहा फिर वहाँ से तुम 3 साल काम करके जब पाकिस्तान आओगे तो तुम सीनियर मैनेजमेंट में आओगे, किसी और कंपनी में लग जाओगे. मैंने कहा छपके तो फिर क्या होगा. कहते फिर तुम 5-6 साल अगले फिर एक सीनियर मैनेजमेंट में काम करोगे ताकि तुम एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सको. सो वो मुझे बहुत एग्जॉस्टिव लगी बात ना उसकी सारी, के थका देने वाली कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद शादी कर लूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा. सो मैंने कहा सर मुझे सिर्फ ये है कि ये मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो आई वॉन्ट टू लिव अ स्लाइटली डिफरेंट पाथ, टेक अ डिफरेंट पाथ इन लाइफ.
तो फिर उसने सोचा 2 मिनट, उसने कहा फिर सही है, फिर तुम ये करो. सो देन दैट्स व्हाई आई क्विट माय जॉब. और फिर मैंने एक ऑफर था कहीं अनकहीं जो आपने मुझे याद कराया, ड्रामा मुझे याद भी नहीं जिसमें था, उर्वा रायजा थी जिसमें आपके उर्वा और साथ। आयजा थी. अल्हम्दुलिल्लाह आई बिन, ये मेरे साथ एक बहुत एक अल्लाह का एहसान रहा है कि मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है, सो यू चोज, यू डिसाइडेड कि यार कि मैंने ये परसू करना कि है। मैंने ये परस्यू बट करना है. वाई एक्टिंग, जब आप ग्रोइंग अप हाँ, वर यू एट ऑल इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स? आप थिएटर करते थे, स्कूल प्लेज में एक्टिंग स्कूल करते थे? प्लेज में थिएटर करता था, स्कूल प्लेज करता था. एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ. इफ़ यहाँ पे आप जाएंगी तो एक क्लिपिंग लगी होगी उस पर, एक फ्रेम पे, वो मैं आपको क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ. ये मेरी बचपन की पहली परफॉर्मेंस है जी. द न्यूज़ जो पे, द न्यूज़ में कवर हुई द थी, न्यूज़ में कवर हुई थी, मेरा फ्रंट पेज था ये. माशाल्लाह। मैंने 2000, इसमें आपको रुक जाए मैं डेट बताता हूँ, ये मार्च 2003, मैं ये 8th ग्रेड में हूँ. अच्छा, और तो ये ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि द न्यूज़ ने कवर किया उसको बकायदा तौर पे। शायद शायद सिटी वो स्कूल अच्छी, स्टूडेंट स्टेज प्ले। हाँ शायद शायद परफॉर्मेंस अच्छी थी, या फिर सिटी स्कूल वालों ने पैसे दिए थे फ्रंट पेज पे आने के लिए, ये मुझे नहीं पता. लेकिन सो आई यूज्ड टू डू दैट, ये मैंने काफ़ी किया था. लेकिन जो आप स्टेज पे करते हो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जब कैमरा ऑन होता है. शुरू शुरू में जब मैंने काम शुरू किया, कैमरा ऑन होता था, मुझसे सांस नहीं लिया जाता था, मुझे बोला नहीं जाता था, और मैं एक्टिंग कर रहा होता था, क्योंकि मैं एक तो फ्रीज हो जाता था और ऐसे होता था, और मैं सोच रहा होता था, मैं सोच सोच के चीज़ें बोलता था कि अच्छा अब मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं ऐसे करके बोलता हूँ, मैं ऐसे करके बोलता हूँ. इट टुक मी बहुत सारे साल लगे टू फॉरगेट कि कैमरा है. यू नो, वो एक एक चीज़ होती है, यू आर ऑब्वियसली हमेशा आपके दिमाग में होता है कि कैमरा मेरे राइट साइड पे का है. तो वो मुझे बहुत डर लगता था शुरू में. खैर एनीवे, सो ये शौक था, और मुझे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करने का शौक था. तो दैट वॉज द रीज़न. वॉज इट ऑल्सो बिकॉज आपका एक घर में भी इन्फ्लुएंस था? योर फुफ्फो इज सुल्ताना सिद्दीकी, हु इज द ओनर ऑफ हम टेलीविजन, जी जी तो है वो भी इन्फ्लुएंस एक था। जी. मैं बनाई व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं जाता था पप्पी के सेट्स पे जाता था, और मेरे पास बहुत सारे उनके प्लेज की तस्वीरें अभी तक हैं. वो जो प्रिंट की हुई तस्वीरें हैं जिसके पीछे सारे अदाकार उनकी ऑटोग्राफ्स, हुमायूं साहब का भी ऑटोग्राफ है मेरे पास बचपन से, एंड एजाज असलम का भी, अदनान सिद्दीकी का भी, इन सारे ये वो लोग जिनके साथ अब मैं सेम इंडस्ट्री में काम करता हूँ. तो ग्रोइंग अप मैं उनका बड़ा फ़ैन था, और वो ऑटोग्राफ्स भेजा करती थी, मैं उनके सेट पे जाया करता था. एक दफ़ा मैं उनके सेट पे गया, तो वो पीटीवी के सेट पे गया था, और वहाँ पे कोई मुगलाई प्ले हो रहा था, तो मैं वो छोटे नवाब के कपड़े लेके आ गया ना, जो तो वो मैंने आके स्कूल में पहन लिए थे. तो मैं इस तरह की हरकतें करता रहता था. तो वो शौक मुझे बिल्कुल था उनको देखते हुए हमेशा, और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थी, तो मुझे हमेशा से इसलिए बिहाइंड द कैमरा का काफ़ी शौक था. तो हाँ, वो उनके होने से फ़ायदा ये था कि मेरे मुझे एक्सपीरियंस था उनका, कि वो वहाँ पे हैं. हाँ, सो दैट दैट प्लेड अ सो एक